नमस्कार प्रणाम दोस्तों, पीछे देख सकते हो आप मेरी गाड़ी है TVS स्पोर्ट। जब से इस गाड़ी को लिया है ना मेरे भाई, तब से लोग पता है क्या कहते हैं कि 100 रुपये का तेल डलाकर बनारस आराम से घूमकर आ जाएंगे। तो यार मैं तो कुछ बोल नहीं पाता हूँ क्योंकि TVS स्पोर्ट है, माइलेज का किंग बोला जाता है इसको। इस कंपनी भी माइलेज पता है कितना क्लेम करती है इस गाड़ी का, 70 से 75 किलोमीटर पर लीटर, उससे भी ज़्यादा ही करती होगी अभी मैं। लेकिन आज तक मेरे लिए हुए इस गाड़ी को लगभग 3 से 3.5 साल हो रहा होगा, तो आज तक मैंने इस गाड़ी का माइलेज टेस्ट नहीं किया है। तो यार बहुत लोगों के बोलने के बाद मैंने सोचा चलो यार इस गाड़ी का ना माइलेज टेस्ट एक बार करके देखते हैं, ये गाड़ी ना 1 लीटर पेट्रोल में कितना चलती है वो आज इस गाड़ी का माइलेज टेस्ट कर लेते हैं। और यार जेन्यून माइलेज टेस्ट होगा इस गाड़ी का। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ ये गाड़ी अभी कितनी चल रखी है। सो आप देख सकते हो ये गाड़ी ना 25,850 किलोमीटर्स अभी रनिंग हो चुकी है। और तेल अगर मैं बताऊँ ना इस गाड़ी में टैंक में अभी कितना फ्यूल होगा, तो ऑलमोस्ट ख़त्म के कदार पे है। लेकिन 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 अभी भी इसमें होगा फ्यूल, मुझको लगता है ये 10 से 20 किलोमीटर और आराम से चल जाएगी। तो पहले इस गाड़ी का फ्यूल को पूरा एकदम निल कर देते हैं, एकदम गाड़ी स्टार्ट ना होने वाला कदार कर देते हैं, उसके बाद इसमें 1 लीटर पेट्रोल को भरते हैं और देखते हैं कितना चलती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले ना हमारे चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक ना बनता ही बनता है भाई। स्टार्ट कर दिया है, अब यहाँ से इस गाड़ी का पूरा पेट्रोल को ख़त्म करते हैं, पूरा निल करते हैं। आप देख सकते हो 25,850 किलोमीटर चल चुकी है, अभी देखते हैं कितने किलोमीटर में इस गाड़ी का पूरा फ्यूल ख़त्म होता है। दोस्तों उससे पहले पेट्रोल पंप पर पेट्रोल ले लेते हैं क्योंकि हमें नहीं पता हमारी गाड़ी कहाँ और कब रुक जाएगी। 1 लीटर के बॉटल में पेट्रोल ले लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे सामने ही आपको दिखा दे रहा हूँ, पूरा 1 लीटर पेट्रोल इस बॉटल में आ जाता है। करीबन 1 लीटर पूरा हो चुका है, आप वहाँ देख सकते हो, और बॉटल भी हमारी पूरी की पूरी भर गई है। ये रहा, अब गाड़ी को स्टार्ट कर देखते हैं, इसके फ्यूल को एम्प्टी करते हैं, उसके बाद 1 लीटर पेट्रोल डालकर देखते हैं गाड़ी कितना माइलेज देती है। तकरीबन 9 किलोमीटर ये गाड़ी अभी तक चल चुकी है, इसके अंदर जो तेल था बचे हुए तेल में, और अभी भी बहुत अच्छे से गाड़ी चल रही है। देखते हैं और आगे कितना चल सकती है। भाई यार अभी तक गाड़ी को 18 किलोमीटर मैंने चला दिया है बचे हुए तेल जो उसमें था, और अभी भी बहुत अच्छे से चल रही है गाड़ी, कोई भी झटकोरा या हिचक नहीं रही है, गाड़ी तेल नहीं छोड़ रही है, तो अभी तक आराम से चल रही है। आप देख सकते हो 68 पे हो गया, 850 में मैंने गाड़ी उठाया था, 871 लगभग 21 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी की तेल हल्की हल्की छोड़ना स्टार्ट कर दिया गया है, और अभी भी खिंच रही है गाड़ी, मतलब पूरी तरीके से बंद नहीं हुए। पर हाँ यार ये गाड़ी अब बंद हो जाएगी, मुझको लगता है 1 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा चल जाएगी। सो देख लेते हैं, गाड़ी चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है, गाड़ी बार बार बैक ले रही है। लगभग 22 किलोमीटर चलने के बाद अब गाड़ी की जो तेल है ना यार, पूरा टंकी सूख चुका है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 50 पे मैंने गाड़ी स्टार्ट किया था और अभी लगभग 850 में स्टार्ट किया था, 872 पे है, लगभग 22 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, स्टॉक फ्यूल जो इसमें था अब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। सिंपली आप अगर सोच रहे हो स्टैंड वगैरह का चाप है, तो यार स्टैंड वगैरह मैंने उठा दिया है, यहाँ पे सारा स्पार्क प्लग आप यहाँ पे दिखा सकते हो, देखो सारे चीज़ें सेम है, नॉर्मल लगा हुआ है सब चीज़ें, गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो चुका, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। मतलब पूरा टंकी का तेल ख़त्म हो गया भाई ऑलमोस्ट। चलिए अब डालते हैं 1 लीटर पेट्रोल इस गाड़ी में, और अब मेन चीज़ स्टार्ट करते हैं भाई, क्या हम बनारस जा पाएंगे कि नहीं इस 1 लीटर वाले पेट्रोल में। सो डोंट माइंड गाइस, थोड़ा सा गिर जाता है, ये मैंने 1 लीटर पेट्रोल पूरा का पूरा डाल दिया, बाकी थोड़ा सा सूंघ लेते, अच्छा लगता है पेट्रोल का। मैं तो करते हैं बंद और अब गाड़ी स्टार्ट करते हैं। मीटर चेक करा देता हूँ यहाँ पे, 872 पे मैंने पेट्रोल को डाला है 1 लीटर,
बाकी अब देखते हैं गाड़ी कितना चलती है 872 से पूरा, जब तक ये खाली नहीं हो जाती तब तक हम इस गाड़ी को चलाएंगे और गाड़ी का तेल टंकी पूरा खत्म होगा और जितने में गाड़ी रुकेगी वही इसका फाइनल रिजल्ट होगा। 872 पे गाड़ी को मैंने स्टार्ट किया पेट्रोल डालने के बाद, अब इसको चलाते हैं। दोस्तों अभी तक गाड़ी को 20 किलोमीटर मैंने चला दिया है, 892 पे हो चुकी है, 872 से मैंने स्टार्ट किया था और अभी भी बहुत अच्छे से चल रही है और बहुत रिफाइन चल रही है, कोई भी दिक्कत परेशानी वगैरह कुछ गाड़ी में नहीं आ रही है, बहुत रिफाइन चल रही है और आगे देखते हैं कितने किलोमीटर तक और ये जा सकती है। लगभग 35 किलोमीटर चलने के बाद भी गाड़ी आराम से भी चल रही है और थोड़ा सा ब्रेकिंग है, देखते हैं लेट्स कंटिन्यू कितने किलोमीटर तक और चलती है 1 लीटर तेल में। यहाँ पर आप देख सकते हो 907 हो चुका है गाइस। लगभग 40 किलोमीटर चला लेने के बाद गाड़ी अभी भी बहुत अच्छे से चल रही है, 912 हो गया मीटर रीडिंग आप देख सकते हो, 872 में मैंने उठाया था गाड़ी को, 40 किलोमीटर आराम से चल चुकी है और अभी भी बहुत अच्छे से चल रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुआ है, ना कुछ तेल वेल छोड़ने का चाप हुआ है यहाँ पे। भाई यार मुझे लग रहा है 60+ तो आराम से खिंच जाएगी गाड़ी आराम से, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट किया गया है, लेकिन देखते हैं एज यूजुअल कितने किलोमीटर तक और गाड़ी चल सकती है। लो जी भाई हम 60 सोच रहे थे, 60+ सोच रहे थे, लेकिन TVS Sport ने तो 54 पे ही दम तोड़ना स्टार्ट कर दिया। ये गाड़ी अब धीरे धीरे हिचक रही है, तेल छोड़ा जा रहा है गाड़ी में, तब भी धीरे धीरे कैसे भी करके खींच रहा हूँ इस गाड़ी को, जब तक ये पूरी तरीके से बंद नहीं हो जाती, फ्यूल इसका पूरा एम्प्टी नहीं हो जाता टैंक से, तब भी इसको खींच रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है वही 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर और आगे जा सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है गाड़ी को चलाने में क्योंकि बार बार तेल छोड़ दे रही है गाड़ी। निकल गई भाई निकल गई, TVS Sport की हवा निकल गई, अनएक्सपेक्टेड, मतलब मैंने क्या सोचा था और क्या हुआ, ये गाड़ी 927 पर आके पूरी तरीके से रुक गई है, ना चल पा रही है ना स्टार्ट हो पा रही है, मतलब तेल पूरा सूख गया इसके टंकी से। और 872 पे मैंने गाड़ी को उठाया था, 926 तक चली है, अभी मैं इसका कैलकुलेट कर देता हूँ तो प्रॉपर ये गाड़ी 55 किलोमीटर्स चली है, मतलब 55 किलोमीटर्स का इसने मुझे एवरेज दिया है 1 लीटर पेट्रोल में, बाकी पूरी तरीके से गाड़ी सूख चुकी है। अभी हम दूसरा यहाँ पे बॉटल लाकर फ्यूल को रिफ़िल करेंगे और आप देख सकते हो कोई भी यहाँ पर चाप नहीं किया गया है, ना स्पार्क प्लग हटाया गया है, ना कुछ, एकदम जेन्युइन आपको मैं बता रहा हूँ। मीटर भी यहाँ आप देख सकते हो 927 पे रीडिंग है, 872 पे मैंने गाड़ी को उठाया था 1 लीटर पेट्रोल डालने के बाद और 927 तक चली, मतलब प्रॉपर मिला के 55 किलोमीटर इस गाड़ी ने एवरेज दिया है। स्पार्क प्लग वगैरह सब यहाँ पे बहुत अच्छे से लगा पड़ा है, क्या कि बहुत लोग फेक चीज़ें करते हैं भाई, लेकिन ये जेन्युइन चीज़ें हैं। TVS ने मुझे ना पैसा दिया है ना कुछ दिया, तो मैं भाई क्यों उसका तारीफ करूँगा, 70-75 किलोमीटर पर लीटर का जो एवरेज बताती है ये गाड़ी, तो 55 में ही हवा टाइट हो गया इसका। बाकी हम आप इसमें फ्यूल डालते हैं और ये रहा इस गाड़ी का पूरा फाइनल रिजल्ट, 55 किलोमीटर पर लीटर इसने एवरेज दिया है। हाँ 70-80 हमने गाड़ी चलाया है, अगर 50-60 चलाते तो मे भी हो सकता है ये 60 तक देती, लेकिन यार ये 70 तो नहीं पहुंचती चाहे कुछ भी हो जाए। सो वीडियो कुछ ऐसा ही था, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने में, तो एक लाइक बनता है और सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर दीजिए क्योंकि आने वाले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आने वाली है, तो जल्दी से सब्सक्राइब और एक लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा।